देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दो नंबर्स काफी क्रिटिकल रहेंगे। एक तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा की एनआई सिर्फ 5% बढ़ते हुए दिखी, वहीं जो प्रोविजनिंग का आंकड़ा था वो करीब 11% बैंक का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखा। और अगर आप वाई कंपेयर करें तो एक क्वांटम जंप बैंक के प्रोविजनिंग में आते हुए दिखी। लॉसेज जो है कंपनी घाटे में आई है बैंक, अब 598 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले इस बार 3230 करोड़, सबसे बड़ा घाटा इन छह बैंकों की जो आप बात करें तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने पोस्ट किया है। ग्रॉस एनपीए फ्रंट पे भी चिंताएं बढ़ी हैं, 9.68% से बढ़कर करीब 10% अब कम बैंक के ग्रॉस एनपीएस हो गए हैं। लेकिन हाँ, जो नेट एनपीएस हैं, जो एक्चुअल बैड लोन्स का प्रेशर है वो थोड़ा रिड्यूस होता है, दिखाया 5.67% से घट के 5.06% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देना बैंक की अगर बात कर लेते हैं, बैंक के एनआईएस महज 3% बढ़ते हुए दिखे हैं, वहीं प्रोविजनिंग में करीब 7% की कमी आते हुए दिखी है। ऑलरेडी काफ़ी हाई प्रोविजनिंग कर चुका था देना बैंक, करीब 3 क्वार्टर से लगातार प्रोविजनिंग बढ़ती जा रही थी, इस बारी कहीं ना कहीं वो थमी है। मुनाफे जहाँ तक बात रही घाटे की, मैं कहूँगा मुनाफा नहीं कहना चाहिए, मुनाफे से घाटे में आता हुआ दिखाया बैंक, 5.8 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले इस बारी 326 करोड़ का घाटा हुआ है। रही बात ग्रॉस एनपीएस की, 9.85% से बढ़ के 9.98, यानी ये भी 10% के करीब इसकी भी ग्रॉस एनपीएस रहे। रही बात नेट एनपीएस की, 6.68 से थोड़ा से कम होकर 6.35 रहे। तो दोनों ही बैंकों ने एक ही तरह के नंबर्स पोस्ट किए हैं। पहला तो ग्रॉस एनपीएस जो टोटल स्लिपेजेस हैं वो बढ़ी हैं, उसका इंपैक्ट नंबर्स पे है, प्रोविजनिंग हाई रही है, उसका प्रेशर जरूर नंबर्स पे देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर जो टोटल नेट बैड लोन्स है वो कहीं ना कहीं इस बार रिड्यूस होते हुए दिखे, जिसकी वजह से नेट एनपीए थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। दूसरी ओर अगर बात करें शानदार नतीजों में तो ग्रेविटा इंडिया, इसके नज़र पे इसके शेयर पे भी नज़र रखिएगा, रिजल्ट्स बेहतरीन है कंपनी के। कंपनी का घाटा जो है कई क्वांटम से घटा है, कंपनी की आय जो रेवेन्यू है वो करीब 15% बढ़ी है, वहीं एबिटा में करीब 6600%, यानी ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए से कंपनी का जो एबिटा है वो बढ़ के 4 करोड़ को पार करता हुआ दिखाया, तो एक क्वांटम जंप एबिटा में आता हुआ दिखाया। मार्जिन्स भी इसीलिए रोबस्ट रहे हैं, 0.05% से बढ़कर एबिटा मार्जिन 3.4% रहे हैं। और जैसा कि मैं कह रहा था घाटा एक क्वांटम से घटा है, पिछली बारी कंपनी को 3.7 करोड़ का घाटा हुआ था, इस बारी महज 20 लाख का घाटा है, तो कहीं ना कहीं नंबर्स वापस से रिवाइव होते हुए देखिए, ऑलमोस्ट टर्न अराउंड कह सकते हैं आप ग्रेविटा इंडिया के नंबर्स को। दूसरी ओर ताज जीवी के अच्छे नंबर्स इसने पोस्ट किए हैं, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, कंपनी की आय करीब 13%, वहीं एबिटा में करीब 80% की जंप देखने को मिली है। मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए, 18.4 से 29.3 रहे, और घाटे से 40 लाख का घाटा था उसके मुकाबले भाई 5.8 करोड़ का मुनाफा हुआ है कंपनी को। और लास्टली वीडियोकॉन, इसके नंबर्स पर नज़र रखिएगा, कंपनी की आय 10% गिरी है, तो वहीं एबिटा में भी करीब 54% का स्लाइड देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन्स भी श्रिंक किए और कंपनी लॉस में आई है, 10.5 करोड़ का मुनाफा था उसके मुकाबले इस बारी 190 करोड़ का घाटा आता हुआ दिखा है, तो कहीं ना कहीं वीडियोकॉन के केस में काफ़ी वीक नंबर।